यहाँ पे आज बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स इस बुक के बारे में जिसका नाम है माइंड सेट। ऑफ कोर्स हमारे ख्यालों के बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में, हमारे इसके बारे में। सो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी आपको हेल्प करेगी ये बुक आपके गोल को अचीव करने के लिए, या फिर आपको जो भी टास्क करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो पढ़ सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं लगेगा कि यार पढ़ने के बाद क्या ही पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। सो पढ़ सकते हैं। सो अभी बात कर लेते हैं इस बुक की समरी, या फिर मैंने क्या सीखा, या फिर आप क्या सीखोगे इस बुक को पढ़ने के बाद, वो सब कुछ। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। यहाँ पे ऑथर ने इस बुक के अंदर दो माइंड सेट के बारे में बात की है। पहला है ऑफकोर्स फिक्स्ड माइंड सेट और दूसरा है ऑफकोर्स ग्रोथ माइंड सेट। सो उसका मतलब क्या होता है? पहले बात कर लेते हैं फिक्स्ड माइंड सेट के बारे में। ये इस तरह के लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं कि यार मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो आप उसको जॉब ही करनी है, बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्टअप स्टार्ट नहीं करना है। अगर उस वो लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ना नहीं है, या फिर दूसरा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं करना है, लाइक कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, वो होता है फिक्स्ड माइंड सेट। यानी कि एक काम के अंदर ही लगे पड़े हैं, दूसरा कुछ करना ही नहीं है, जो चल रहा है वैसे चलने दो, क्यों छेड़छाड़ करना हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर, वो होता है ऑफकोर्स फिक्स्ड माइंड सेट, जो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरा होता है ऑफकोर्स ग्रोथ माइंड सेट, और यहाँ पे ये वो लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं कि यार मैं इससे भी अच्छा दूसरा कुछ कर सकता हूँ, और अगर वो फेल भी हो जाते हैं किसी भी काम के अंदर, या फिर बिजनेस के अंदर, या फिर किसी भी और चीज़ के अंदर, तो उसके अंदर वो देखते हैं कि यार मैं कहाँ पर गलत था, उसके अंदर वो वर्क करते हैं और उसके अंदर वो सक्सेस ले लेते हैं। सो चीज़ों पर काम करना, अपनी स्किल को बढ़ाना, या फिर दूसरा कुछ करना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। सो अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो बिज़नेस के बारे में सोचेंगे, अगर एक बिज़नेस सही तरीके से चल रहा है तो दूसरे स्टार्टअप के बारे में सोचेंगे, या फिर दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, या फिर काफ़ी सारे काम करेंगे लाइक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। बट फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो कंफर्ट जोन के अंदर रहना पसंद करते हैं कंपेयर टू ऑफकोर्स बाहर निकलने के मुकाबले। सो ये दोनों ही चीज़ के बारे में बात करते हैं इस बुक के अंदर ऑथर, और दोनों ही चीज़ों को कंबाइंड करके काफ़ी सारे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे प्रकट करेंगे इस बुक के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको देखना है तो मैं इसके जो कंटेंट है, जो चैप्टर्स हैं, उनके कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे आपके सामने दिखा दूंगा। सो आप समझ पाएंगे सही तरीके से कि यार किस तरह के चैप्टर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो कुछ आइडिया हो जाएगा इस बुक के बारे में कि यार आपको कितने पेजेस की बुक है, पता 250 पेजेस के अंदर आपको किस तरह का देखने को मिल जाएगा। सो आप देख पाएंगे, मैं कुछ यहाँ पे पॉप अप दे दूंगा, सो वीडियो को पोज करने के बाद आप पढ़ पाएंगे। सो वो भी है। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है यहाँ पे कि अपने माइंड सेट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर, या फिर जो टीचर्स होते हैं वो अपने माइंड सेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी फ्यूचर को ग्रो करने के लिए, या फिर ऑफकोर्स पेरेंट्स होते हैं वो बचपन से अपने बच्चों को कैसे पाल सकते हैं सही डायरेक्शन के अंदर, ना कि उन पर गुस्सा करना, ना कि उनको मारना, या फिर जब पढ़ाई के अंदर नंबर्स कम आते हैं तो उनको बुरा भला करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सारे के सारे बातें करते हैं ऑथर इस बुक के अंदर। सो वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, और कुछ उनकी बुक्स हैं इस ऑथर की, वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, उनकी जो फेवरेट बुक्स है वो भी आपको देखने मिल जाएंगी। जब बात करेंगे ऑथर तो आपको पता चल जाएगा कि यार किन किन बुक्स के बारे में ऑथर बात करते हैं इस बुक के अंदर। सो वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सो काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाया है ऑथर ने माइंड सेट के बारे में, और आपका माइंड कैसे वर्क करता है सर्टन चीज़ों को लेकर, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी बात करूँ तो मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद कुछ नया नहीं सीखा है, बट ऑफकोर्स माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया बिकॉज ऑफ मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ के रखा है पहले से ही। सो वो सारे का सारा सेम टू सेम ही था, बट थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया। सो वो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। बट ऑफकोर्स अगर आपने कोई भी सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी, या फिर ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल ऑटोमिक हैबिट नहीं पढ़ी है, या फिर 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नहीं पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच नहीं पढ़ी है, या फिर द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नहीं पढ़ी है, तो ये पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो पढ़ी है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने वीडियो देख लिया वही तक था, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है 300 रुपीज़ इस बुक के ऊपर। बट स्टिल पढ़ने के लिए कुछ नहीं है तो पढ़ लेना, माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। और ऑथर ने जो लिखा है वो थोड़ा सा नया है, उनकी स्टाइल के अंदर लिखा है तो थोड़ा सा नया लग सकता है आपको। सो वो भी है। सो ओवरऑल मैंने सारा का सारा बात कर ही लिया है,
इस बुक के बारे में जो मैंने बताया, ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, या फिर फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में, या फिर माइंडसेट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर, पेरेंटिंग के अंदर, टीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, लीडर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं माइंडसेट को, वो सब कुछ मैंने बात कर ली पहले से ही, पहले पार्ट के अंदर ही। और दूसरे कुछ पॉइंट थे वो भी हमने मेरे हिसाब से सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। सो दूसरा कुछ बोलने वाली बात नहीं है या फिर वीडियो को लंबा करने वाली बात नहीं है। सो यही है इस बुक के अंदर, एंड आई होप आपने समझ लिया होगा जो हम कहना चाहते थे वो आपको। बट ऑफकोर्स अगर आप नहीं समझे हैं या फिर कुछ डाउट है या फिर जो भी चल रहा है क्वेश्चन माइंड के अंदर, वो कमेंट कर लेना, ऑफकोर्स हम रिप्लाई करेंगे। और दूसरी बात, आप हमारे न्यूज़ लेटर को भी साइन अप कर सकते हैं फ्री के अंदर। मैं आपको वीकली ईमेल करूँगा पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अ गुड, वो सब कुछ बात करते हैं हम हमारे बुक स्टॉक के वीकली न्यूज़लेटर के अंदर। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, साइन अप कर लेना फ्री के अंदर। यार क्या ही जाएगा आपका, फ्री के अंदर है सो वो भी कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे गिव अवे लाइव है अभी, सो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो मैंने रूल्स कुछ बता दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको फॉलो करना है एंड आप एंटर कर जाओगे गिव अवे के अंदर। रिजल्ट आएगा तो मैं आपको सामने से कांटेक्ट करूँगा, जो भी नाम होंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे इस चैनल के अंदर। सो फॉलो कर लेना अगर आपको गिव अवे जीतना है तो। ऑफकोर्स बुक्स का, यार चैनल बुक्स के बारे में तो गिव अवे भी बुक्स का ही होगा लास्ट टाइम की तरह। सो यस, रूल्स को फॉलो करना। और इन द एंड ओवरऑल समरी जो भी लास्ट के अंदर कहते हैं उसके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है यार, पढ़ लेना। आप 300 रुपीस बाहर खाना खाने में बिता देते हैं या फिर पार्टी शार्टी में या फिर कुछ बाहर पिज्जे खा लिए, बर्गर खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, लोगों के साथ पार्टी कर ली। सो अननेसेसरी चीज़ों के अंदर पैसे खर्चने से अच्छा है कि आप बुक के अंदर इन्वेस्ट करो। अगर आपको ये नहीं पढ़नी है तो दूसरे भी काफ़ी सारे बुक्स हैं, मैं रेकमेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। बुक्स पढ़ लो और काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करेंगे और वो बुक्स आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी हेल्प करेगी आपको ग्रो करने के लिए। सो वो कर सकते हैं, ना कि अननेसेसरी चीज़ों पर पैसे स्पेंड करने से अच्छा है कि यार बुक्स पे करो। पढ़ना पसंद नहीं है डोंट वरी, ऑडियो बुक बाय कर लो और ईयरफोन लगा लो, सुन लो जब आपको टाइम मिलता है तभी। सो वो कर सकते हैं। सो यस, ओवरऑल अच्छी बुक है, मेरे तरफ से यूज था, हम सब पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। सो वही बोल सकता हूँ, दूसरा क्या बोल सकता हूँ। सो यस, इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता तो क्या करना है, ऑफकोर्स लाइक करना है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करना, आपको दिखेगा नहीं बट मुझे देखेगा। सो वो कर सकते हैं और मुझे बताना कि यार वीडियो कहाँ पसंद नहीं आया कमेंट के अंदर, तो हम इंप्रूव करेंगे आने वाले वीडियोज के अंदर। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट गाइज, एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तो अगले बाय बाय, हैव अ फ्रिकिंग ग्रेट फॉर दिन लाइफ के अंदर। बाय बाय बाय।